असलम डियर स्टूडेंट्स नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक इस्लामिक स्टडीज़ इज़ जेफरी स्कूल ऑफ फ़िक्का इट्स ऑरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सो लेट अस स्टार्ट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू यू इफ़ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट फर्स्ट एंड डू लिटिल सपोर्ट एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि अपने वीडियोस को बेहतर करने के लिए कहाँ पे वीडियोस को बेहतर करने की जरूरत है जैसे एडिटिंग का मसला होता है या मीनिंग बोलते समय कहीं पे कुछ मिस हो जाता है या बाकी चीज़ें होती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो उसे मैं अपनी वीडियोज़ बेहतर बना सकता हूँ और मैं एक किस्म का उसे सपोर्ट समझूंगा तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट जाफर जाफरी स्कूल आफ़ फ़िका गेट्स इट्स नेम फ्राम इमाम जाफ़र सादिक और जाफरी स्कूल आफ फ़िका जो है इसका नाम कहाँ से पड़ा इमाम जाफर सादिक से जाफरीज ओनली फॉलो द इमाम आर लीडर हु शुड बी द्लड रिलेटिव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जाफरीज़ हैं जो इमाम जाफर के मानने वाले हैं वो उन्हीं इमाम को मानते हैं वो सिर्फ़ उनही लीडर्स को मानते हैं जो नबी सलील अलैहि वसल्लम के ब्लड रिलेशन से हो ब्लड रिलेशन से हो मतलब जो जिनका नबी वूनी रिश्ता हो दे आर दिकेंड लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ इस्लाम विद टेन टू तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ मुस्लिम अक्रॉस द वर्ल्ड जो जाफरीज़ हैं या जिन्हें हम शियाज़ भी कहते हैं ये दूसरा बड़ा डिवीज़न है मुसलमानों का इस्लाम का इसमें पन, दस से पंद्रह परसेंट मुस्लिम्स आते हैं पूरी दुनिया के जो मुसलम्स हैं उनमें से दस से पंद्रह परसेंट यही हैं जाफरीज जिन्हें हम शिया भी कहते हैं जाफरीज़ आर शिया ऑनली द दलफ़ेट ऑफ हज़रत अली रहत एंड डो नॉट रिकॉगनाइज़ फर्स्ट थ्री कैलफेट जो जाफरीज़ या शियाज हैं ये सिर्फ और सिर्फ अली रजी अल्लाह तन को मानते हैं सिर्फ़ उसी के दौर को मानते हैं बाकी जो उसके पहले जो भी तीन खलीफाज रह चुके हैं जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं चार खुलफ राशिदीन थे तो उन तीनों के बारे में ये कुछ नहीं जानते हैं ना ही उनको ये ज्यादा मानते हैं तो ये हज़रतली रजील तु को ज़्यादा मानते हैं देर आर नंबर आफ सेज डिफरिंग ऑन द नंबर ऑफ़ इमाम और कई तरह के सेक्ट्स हैं इन शियाज़ में भी जैसे हम सुन्नी मुसलमानों में कई तरह के मसलक हैं कई तरह के सेक्ट्स हैं इसी तरह इन शियाज़ में भी कई तरह के सेक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ़ इमाम्स को मानने वाले हैं ना कैरेक्टरस्टिक्स और बेसिक बिलीफ्स तोहीद प्रॉफिट हुड रिसरक्शन डिवाइन जस्टिस स्ट्रांग बिलीफ ऑन इमाम्स, बेसिक बिलीफज़ जाफरीज़ के और ये बेसिक बिलीफज़ हर किसी के बुनियादी जो बिलीफज़ हैं फेथ हैं नंबर फर्स्ट तो वननेस ऑफ़ अल्लाह, वननेस ऑफ़ गॉड इन खुदा एक है इस पर भरोसा करना इस पर यकीन करना तो उसे तवीद कहते हैं नंबर सेकेंड प्रॉफिट प्रॉफिट हुड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे भरोसा करना या बाकी पैगंबर पे उनको मानना ये एक बेसिक बिलीफ है रेसरेक्शन मींस क़यामत के दिन जब जो जो भी मरे हुए होंगे उनको खड़ा किया जाएगा और उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा उसे रेसरक्शन कहते हैं इस पर भी इन्हें भरोसा है फेथ है बिलीफ है और हमें भी है नंबर फोर्थ इज़ डिवाइन जन्नत जहन्नम इस पे भी इन्हें यकीन है जस्टिस इंसाफ स्ट्रॉग बिलीफ ऑन इमामज़ इमामस पे बिलीव करना ये बेसिक प्रिंसिपल बेसिक बिलीफज़ हैं जाफरीज़ के द ओनली फ़िक्ज इन शिया आर उसूली अकबरी एंड शेख़ी जाफरीज रिगॉर्ड इमाम एज़ इन्फॉलेबल एंड दोर्स ऑफ़ एंड हदीस एज़ प्राइमरी सोर्स जो शियाज के फिकाज़ हैं उनमें उसूली अकबरी और शेख़ी आते हैं और जाफरीज़ का ये मानना है कि इमामस जो हैं वो इन्फ़ॉलेबल हैं इनफॉलेबल मतलब जिनसे मिस्टेक ना हो जिनसे गलतियाँ ना हो एंड अ सोर्स ऑफ़ फ़िका और ये सोर्स ऑफ़ फ़िका हैं और कुरान और हदीस को प्राइमरी सोर्स ऑफ़ा भी ये मानते हैं सो so, ये आज का क्वेश्चन था और इस तरह हमने इस्लामिक स्टडीज़ जो आपका जनरल इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस ख़त्म किया मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई होंगी आपके लिए ये फ़ायदा होंगी बाकी वसलम दुआओं में याद रखना